नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आई हूँ मैं अपने पुराने घर, यहीं सब्जी लगाई हूँ, यहीं सब्जी लूँगी, तो आप लोग लास्ट तक रखते रहिएगा। तो मनोरमा इंदौर से दोस्तों कमेंट की हुई है कि उषा जी मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और चौराहे का खेत भी बहुत ही अच्छा है। तो दीदी मुझे मालूम है, तो आप सारा वीडियो में आपका कमेंट मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा। तो चलिए मैं चल रही हूँ सब्जी के। घर के दोस्तों ये पिछवाड़े देखिए हमने लगाया हुआ था, और ये थोड़ा सा नान का दोस्तों लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा फैलता है। तो ये है तो पोई की पत्ती दोस्तों हम लेने आए हुए हैं सब्जी के लिए। तो देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी पत्ती है और एकदम हरी, तो यही हम तोड़ेंगे। ये देखिए तो जो डाली दोस्तों इसे फैलती है, वो इस तरफ से देखिए बहुत ही नरम नरम है, तो यही मैं ले रही हूँ। और पुरानी पत्ती दोस्तों देखिए इतने बड़े बड़े हैं, तो ये मैं नहीं ले रही हूँ। इसकी डाली दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छे से फैलता है, बहुत तेज़ी से। अब बरसात आएगा तो पूरा एकदम फैल जाएगा ये। तो पत्ती इसकी थोड़ी सी मोटी मोटी होती है, पालक से मोटा होता है, देखिए दोनों तरफ से। तो आप लोग दोस्तों अगर लगाना चाहते हैं ना, तो बस इसको इसी तरीके से ये देखिए ऐसे तोड़ कर लगा देंगे, तुरंत ही लेगा। ये नरिया दोस्तों रखा हुआ है पुराना, इसी पे हमने बगल में लगा दिया था, तो इसी पे चढ़ा हुआ है। तो मैं इधर तोड़ रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कितना दूरी तक फैला हुआ है। तो पोई दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोग ढेर सारा नाम बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और कई कई नाम दोस्तों ऐसे रहते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि इसका ये नाम है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैं पत्ते दोस्तों, ठीक है, ढेर सारी सब्जियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नरिया तो फैला हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे से चढ़ता है। ये देखिए इधर चढ़ा हुआ है आम के पेड़ पर, ये जो झड़ा रहता है वो और सब फिर साफ साफ एकदम पत्ती रहता है, धूल मिट्टी कम लगा रहता है। तो जो पत्ती बहुत ही अच्छी है वही हम ले रहे हैं, क्योंकि ढेर सारी पत्तियां हैं, तो मैं छाट छाट कर ले रही हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से हमने पत्तियों को ले लिया है, और अब चलेंगे हम घर पे। चूल्हे के पास तो सबसे पहले हम आलू को धोएंगे। तो आलू को अच्छे से धोने के बाद हम इस भगोने में उबालेंगे, तो इसमें हम रख देते हैं, लेव को लगा दिया है जिसकी अथवा भगोने में। चलिए थोड़ा सा पानी ले लेते हैं उबलने के लिए। अब हम चूल्हे में आग को जलाएंगे, तो सबसे पहले रख देंगे आलू उबलने के लिए, उसके बाद दूसरी तैयारी बाद में करेंगे। तो आग हमने जला लिया है, अब भगोने को हम ढक कर रख देते हैं आलू उबलने के लिए। तो अब ढेर सारा पानी डालकर पत्ते को अच्छे से हम धो लेंगे। तो हम पानी डालकर अच्छे से हम धोएंगे, जो पत्ती वाली दोस्तों सब्जी होता है उसमें ढेर सारा पानी डालते हैं, तभी तो पत्ते अच्छे से छूटता है गंदगी। तो अभी एक पानी हम और धोएंगे, तो चलिए इस थाली में हम रख लेते हैं। तो इसकी पत्ती बहुत ही नरम है। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला हुआ है, आलू हमारा उबल रहा है, थोड़ा सा और उबलने देते हैं। तो लहसुन का और प्याज का हमने छिलका उतार लिया है, तो चलिए इसे हम पीसेंगे। तो थोड़ा सा कूच लेते हैं। तो अच्छे से हमने देर कचा लिया हुआ है, अब हम पीसेंगे। मसाला को हमने पीस लिया हुआ है। अब हम प्लेट में उठा लेते हैं। तो चलिए आलू को हम अब चेक करेंगे। तो आलू हमारा पक गया है, देखिए फट गया है। तो चलिए हम आलू को अब निकालेंगे, और इसी ब
बर्तन में हम डाल देंगे भगोने में चावल पक। तो अब हम चावल को धो लेते हैं। तो अब हम भगोने में डाल देते हैं चावल धुले हुए। तो आलू और पोई की दोस्तों बहुत ही अच्छी सब्जी आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए आलू को हम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया तो इसके छिलके हम उतार ले रहे हैं। पोई की पत्ती को और हम काटेंगे और सम्मा रखेंगे। तो देखिए इसी तरह से अच्छे अच्छे जो है इसमें हम रख ले रहे हैं। तो ये देखिए हमने निकाल लिया हुआ है बहुत ही अच्छे अच्छे पत्ते। तो सारा खान ने कमेंट किया हुआ है अच्छा बनाती हो दीदी साग और आपका ब्लॉग तो सबसे अच्छा रहता है। तो थैंक यू दीदी, आप लोग ऐसे ही हमारे को सपोर्ट करते रहिएगा, लास्ट तक करते रहिएगा और शेयर भी कीजिए। तो आलू को हम अच्छे से फोड़ लेते हैं। तो आलू हम थोड़ा सा पोई की पत्ती काट देते हैं। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े हम काट दे रहे हैं। तो हल्का सा हम इसमें प्याज काट दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें डालेंगे मिर्चा। तो आप इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद हल्का सा इसमें मसाला हम मिलाकर और इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो चावल हमारा अच्छे से पक चुका है। तो चलिए हम इसे उतार देते हैं। अब इस पे चूल्हे पर रखेंगे कढ़ाई। तो अब इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो अभी भगोने में हम बेसन को घोलेंगे। तो इसमें हल्का सा डाल देते हैं नमक और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी। डालने के बाद इसे हम मिलाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा घोला बनाएंगे। तो बेसन को हमने देखिए घोल लिया हुआ है। तो हमने एक पत्ता ले लिया हुआ है और थोड़ा सा देखिए जो आलू मैंने उबाला हुआ था बनाया हुआ है वैसे ले लिया हुआ है। अब दूसरा पत्ता लेके हम इसे इसी तरीके से दबा दबा कर रखेंगे। तो बालबिंदर ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है कि उषा जी हम आपका सारा ब्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू भैया, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी लगता है और बहुत ही अच्छा। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कम ऐसे हम भर रहे हैं। तो सारे पत्ते भी हमने अच्छे से लगा कर रख दिया हुआ है, अब हम तलेंगे। तो अब हम इसे देखिए बेसन में डुबोएंगे दोनों साइड से। तो अच्छे से डुबोने के बाद हम तेल में डाल देते हैं। आँच को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ऐसे ही ये वाला भी कर लेते हैं। तो जो पहले से डाला हुआ है उसे हम पलट देते हैं और देखिए बहुत ही अच्छे से खुला खुला बन रहा है। तो कलछुल में हमारे थोड़ा सा पानी लगा हुआ था इसलिए टिक रहा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आँच हमने धीमी करके पकाया हुआ था जिससे अंदर से आलू भी अच्छे से सिक जाए, कुरकुरी हो जाए। तो बहुत ही फूली फूली बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, देखिए बहुत ही हल्का है ये। तो चलिए हम दोबारा इसी तरीके से बना लेते हैं। तो बीना रानी ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है कि हमारे पंजाब में इसकी सब्जी बनती है बहुत ही बढ़िया और आपने भी अच्छा बनाया है। तो थैंक यू दीदी। तो इस साइड अच्छे से सिक गया है तो उसे हम पलट देते हैं। इसमें दोस्तों हल्का हल्का हमने सब कुछ डाल दिया हुआ था जैसे कि जितना सब्जी बने बने उसके बाद आप लोग हमारे घर वाले खाएँ। तो बहुत ही अच्छा जो पकौड़ी जैसा लग रहा है, जैसे टिकिया बनता है उसी तरीके से। तो जो आलू बचा हुआ था इसे हम टिकिया बना लेते हैं, जिसे आलू चाप कहते हैं। देखिए बेसन भी बचा हुआ था, आलू भी, तो बना कर रख देंगे खाएँगे। तो अब हम टिकिया को बना लेते हैं। जिस सब्जी के लिए हम नहीं बना रहे हैं ऐसे ही बना रहे। तो टिकिया भी हमारा अच्छे से फूल रहा है, इसे भी हम पलट देते हैं। तो टिकिया हमारा अच्छा देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल देते हैं। देखिए बहुत ही फूला फूला बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें डाल देते हैं प्याज का तड़का लगा देते हैं। तो तेज पत्ता डालकर और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं।
तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें हम डाल देते हैं हम मसाले। हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं, तो धनिया पाउडर को डाल देते रहे हैं और ये देखिए हल्दी पाउडर, तो चलिए अच्छे से हम भून लेते हैं। तो इसमें हम लाल मिर्चा को डाल देते हैं, तीखा नहीं है। तो मसाला अच्छे से हमने भून लिया हुआ है, तो जो हमने देखिए बेसन खोला हुआ था उसी भगोले में से हम पानी डाल देते हैं, हल्का से इसमें बेसन है तो इसे हम पका लेंगे अच्छे से। तो ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो ग्रेवी हमारी अच्छी से पक चुकी है, देखिए हल्का सा दोस्तों भगोने में जो है बेसन लगा हुआ था तो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने तला हुआ है, बहुत ही अच्छा दोस्तों इसकी सब्जी लगती है। तो देखिए हमने डाल दिया हुआ है, आज हम अब नहीं बढ़ाएंगे और देखिए हल्का सा इसे हम 2 मिनट तक पकने देंगे। तो इसमें हमने हल्का सा मिर्चा और हल्का सा नमक भी डाला हुआ है, तो इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसे पकाएंगे हम। सब्जी दोस्तों हमारा बन गया है, देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है, देखिए ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी एकदम है, बहुत ही अच्छा। तो चलिए हम खाने को परोसेंगे, अगर आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। चावल को परोसने के बाद अब देखिए पोई और आलू की दोस्तों सब्जी हमारे बहुत ही अच्छा टिक्केदार बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। तो बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी लग रही है, मैं ग्रेवी में दोस्तों कुछ भी नहीं डाला हुआ है, हल्का सा देखिए वही सालन जो है घोर कर डाला हुआ था। तो सविता तिवारी ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है कि उषा दीदी राधे राधे, और ऐसा खाना दोस्तों शहरों में नहीं मिलता। तो हाँ चूल्हा वाली 200 रोटी है, शहर में नहीं बनता, गांव में बहुत मतलब वो गाँव बनता ही है। तो देखिए हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लग रहा है। और मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।